हेलो क्लैशर्स, तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि टाउन हॉल 14 से टाउन हॉल 16 पर कैसे 3 स्टार करें। सबसे पहले हमें एक ऐसी जगह ब्लिंप खोलनी है कि जहां से ज्यादा वैल्यू मिल सके। इस बेस में हम यहां पर ब्लिंप उतारेंगे जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिल सके। और हां, सीसी में 2 सुपर विजार्ड और 2 सुपर आर्चर लेनी है। ब्लिंप खोलने के जस्ट पहले एक इनवी, उसके बाद रेज और क्लोन स्पेल डालनी है, और 1-2 सेकंड बाद और एक इनविजिबल स्पेल डाल देनी है, और फिर 4-4 सेकंड बाद इनविजिबल स्पेल डालते रहना है। आप शुरुआत में सेकंड मन में गिन भी सकते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी और आप अच्छे से स्पेल डाल पाएंगे। इस स्ट्रेटजी में सबसे इंपॉर्टेंट ब्लिंप का सक्सेस होना है। अगर ब्लिंप सक्सेस होगी तो बाकी बेस के लिए पूरी आर्मी बची है और हीरोज भी है जिससे कि हम बाकी बेस क्लियर कर सकते हैं। और इस अटैक में तो मेरे पास किंग भी अवेलेबल नहीं था, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह स्ट्रेटजी कितनी पावरफुल है। और देखो, ब्लिंप से हमें बहुत अच्छी वैल्यू मिली है, टाउन हॉल और मेजर डिफेंस मिल चुके हैं। अब कुछ नहीं करना है, बस एक तरफ हीरोज डालने हैं और दूसरी तरफ पूरी आर्मी डाल देनी है और सिचुएशन के हिसाब से एबिलिटी यूज करनी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इस स्ट्रेटजी में इतना ही है, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है, आप इसे जरूर यूज करें और मिसमैच वॉर्स एंड CWL में 3 स्टार करें एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द वीडियो।